नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा के नरवाना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। ये संकल्प पत्र हमारा लक्ष्य है, हमारा ध्येय है, इसको हम पूरा करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से 2014 के चुनाव में जो संकल्प पत्र जारी किया था उसको हमने पूरा लागू करने का काम किया। 2019 में जो संकल्प पत्र जारी किया था उससे भी आगे बढ़ते हुए हमने काम करने का प्रयास किया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस 2024 का जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है इसको भी पूर्णतः लागू करने का काम लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार करेगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 5 अक्टूबर का समय है और जिस जोश और उत्साह के साथ इस नरवाना के कार्यकर्ता लगे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे जोश के साथ जिस प्रकार से आप लगे हैं, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं अब की बार नरवाना की इस भूमि पर कमल का फूल खिलेगा। आपके आशीर्वाद से किशन बेदी जी विधायक बनेंगे, आपके आशीर्वाद से नायब सैनी जी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। इसलिए एक बार जोरदार नारे के साथ तीसरी बार भाजपा सरकार, तीसरी बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमारे त्यागी पुरुष हमारे अध्यक्ष जी, जोरदार ताड़ियों के साथ एक बार स्वागत कर दें हमारे अध्यक्ष जी का। अब आप लोग सुबह 8:30 बजे से यहां बैठे हुए और लगातार हमारे को फोन और मैसेज आने लग रहे थे कि योगी बाबा किस टाइम आएंगे, वो घड़ी आपकी पूरी हो चुकी है। हमारे बीच में एक ऐसे नेता जिसको केवल देखने के लिए यहां भारतीय जनता पार्टी, इनेलो, कांग्रेस, बसपा सारे पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद हैं, एक ऐसे नेता और एक ऐसे संत आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी, मेरा आग्रह रहेगा उनके चरणों में वो आए और अपने मुखमंडल से हम सभी को आशीर्वाद दे, जोरदार ताड़ियां बजती रहे। बोलिए श्री अवधि रामचंद्र की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कृष्ण बेदी जी, जिला अध्यक्ष जीन से चेदेंद्र ढुल जी, प्रभारी मदन गोयल जी, लोकसभा के उत्तर प्रदेश बरेली के सांसद और यहां के प्रवासी श्री सत्यपाल सिंह गंगवार जी, पूर्व सांसद अशोक तंवर जी, प्रभारी नरवाना विधानसभा श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, संयोजक ऋषपाल शर्मा जी, पूर्व विधायक पृथ्वी सिंह जी, योगी सुक्राई नाथ जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण,
संत जन भारी संख्या में नरवाना विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं प्रभु श्री राम की धरती से आज यहां पर उचाना माता की इस पावन धरा पर आया हूं। आप सबने म्यारी राम राम, बहनों और भाइयों, राम नाम की ये महिमा है कि आज मैं आप सबसे यहां पर मिल पा रहा हूं। और अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार अब समाप्त हुआ। प्रभु श्री रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जिस राम के नाम से हमें भवबंधन से मुक्ति मिलती है, जिन प्रभु राम के छूने मात्र से भी एक पत्थर तैरने लगता है, उस प्रभु राम के नाम से कांग्रेस और इन लोगों को ही परेशानी होती थी। अगर आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया तो इसके लिए इस सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ने वाले दल जिम्मेदार हैं, जिनका एक ही प्रयास था, एन केन प्रकारेण भारत की आस्था का अपमान करना, भारत के महापुरुषों का अपमान करना। कांग्रेस भी और इन लोग भी लगातार जीवन भर यही कार्य करती रही। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? एक और अयोध्या में प्रभु राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हुआ, रामलला विराजमान हुए, और दूसरी तरफ अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बहनों भाइयों, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेस हो या इन लोग, ये जितने भी दल हैं, ये अपने परिवारवाद में इतने मस्त हैं, ये कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, कभी प्रभु राम का अपमान करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सुरक्षा इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब भी इन्हें सत्ता प्राप्त हुई, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार, जब भी इनको सत्ता प्राप्त होती है, सुरक्षा पर सेंध लगाना, दंगा कराना, यही इनका कार्य रहा है। और यही कारण रहा है कि कांग्रेस ने अपने आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद एक भी एयरपोर्ट का नामकरण, एक भी एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर नहीं किया, एक भी एयरपोर्ट का नामकरण संत रविदास जी के नाम पे नहीं किया, एक भी एयरपोर्ट का नामकरण इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर नहीं किया। यहां पर तो लोग करते थे केवल अपने नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर,
बच्चा पैदा बाद में होता था, पहले उसका नामकरण हो जाता था, उनके नाम से किसी एयरपोर्ट और स्टेडियम का नाम रख दिया जाता था। और इसीलिए आज जब ये विधानसभा हरियाणा का चुनाव हो रहा है, तब मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, आबादी का सबसे बड़ा राज्य किन स्थितियों में था। हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं था और अराजकता चरम पर थी, विकास बाधित था। आज बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने दंगों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर दी है। अब पिछले 7.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगा करने वालों के लिए इस सामने उपकरण खड़ा कर दिए हैं कृष्ण बेदी ने पहले ही। दंगा करने वाला व्यक्ति जानता है कि दंगा करेगा तो बहन और भाइयों से मालूम है कि 7 पुश्तों की जो कमाई होगी ये जब्त तो हो जाएगी और ये गरीबों में वितरित हो जाएगी। आज यूपी में दंगा नहीं, आज बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और यही तो कार्य आपके हरियाणा में भी हुआ। बहनों और भाइयों, जो यहां भाई भतीजावाद था, कांग्रेस का रहा हो या इन लोग का रहा हो, जो यहां गुंडागर्दी थी, जो यहां चौद वसूली होती थी, जो भ्रष्टाचार था, पहले माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और उसके उपरांत अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हरियाणा को भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनाने का काम की है। आजादी के बाद ये पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी जो 10 वर्ष पहले आपने चुनी थी। यहां पे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हो या नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जिस सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत और हर संप्रदाय तक पहुंचाने का काम किया। आवास की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, हर घर नल की योजना हो, हर घर की कनेक्टिविटी हो, अधिकाधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हो, बेटी की सुरक्षा हो, व्यापारी का सम्मान हो, धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना बनाने का कार्य हो, ये सभी कार्य द्रुत गति से पिछले 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखने को मिले हैं। आज हरियाणा परिवारवाद का नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनकर के उभरा है, तेजी के साथ उभरा है और अगले 12-15 वर्ष जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है अमृत काल का यह अवसर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, तो इसके लिए हमें जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। देश के बारे में बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, आज आपसे मैं यही कहने के लिए आया हूं
याद करिए, इन लोगों का हरियाणा के बाहर कोई अस्तित्व नहीं, एक अकेले कोई विकास कार्य नहीं करा सकता, इनकी क्षमता भी नहीं है, तो उसे वोट देने का मतलब आपका वोट बेकार जाना है। कांग्रेस अपनी विघटनकारी मानसिकता के लिए जानी जाती है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा से राहुल गांधी के वक्तव्यों को देख सकते हैं, जब भारत के बाहर जाते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, भारत की आस्था पर प्रहार करते हैं, भारत की गुरु परंपरा के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं, भारत को अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते और दुनिया के अंदर भारत को अपमानित करने की सेखी बघारने का काम ये लोग करते हैं। ये लोग जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन लोगों से उम्मीद करना कि भारत की सुरक्षा और भारत की समृद्धि के लिए कोई प्रयास करेंगे, ये बेमानी होगी और कांग्रेस आज इस बेमानी पे उतर चुकी है। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, इन्होंने आजादी के बाद 75 वर्षों में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए समाज को आपस में लड़ाने का काम किया, जातीय सेनाएं खड़ी की, ये जातिवाद, ये मत और मजहब की राजनीति, ये विकास की सबसे बड़ी बाधा है। बहन और भाइयों, अगर हमें विकास करना है, अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है, अपने भविष्य को सुखद और उज्जवल बनाना है, तो हमें इन बैरियर्स को पार करना पड़ेगा जो जातिवाद के नाम पर है, मत और संप्रदाय के नाम पर है, जो किसी अन्य कारणों से है। इन सब से उभर करके कार्य करना होगा और इसी के लिए 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था, मेरी सरकार जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करेगी। मेरी सरकार का मंत्र होगा जिसमें समान रूप से एक सर्वसमावेशी विकास का कार्य होगा और इस सर्वसमावेशी विकास ही राम राज्य के अवधारणा को पूरा करेगा। और इसके लिए उन्होंने मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का। बहन और भाइयों, याद करिए, कांग्रेस तो आपके पास आएगी, नारा देगी, इन लोग भी आपके पास आएगी, जाति का नारा देगी, विभाजन की नारा देगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और इन लोगों से पूछना चाहता हूं, इन्होंने जब इन्हें सत्ता मिली थी तब क्या किया था, कैसे 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 नजारे थे इनके समय में, लूट धड़ल्ले से होती थी, यहां तक कि हिंदू मंदिरों से भी ये लोग पैसा ले लेते थे। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर, पहले माननीय खट्टर जी के नेतृत्व में, सिर्फ नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार कार्य की है। आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, बुनियादी सुविधाएं जनता जनार्दन को मिली है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता गायब थे, इन लोगों के नेता गायब थे, कोई सेवा का कार्य नहीं कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी तब नारा देती थी कि सेवा ही संगठन है और एक एक कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर के जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इस जज्बे के साथ आज भारत को एक नया नेतृत्व देने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और इसी कारण से आज मैं आपके बीच आया हूं। चाहे वह अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हुआ हो,
या फिर बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ को निर्माण करने का कार्य ये कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, उन्हें चुनाव हरवा दिया था। आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक भी शब्द उनके लिए नहीं निकालती है। कांग्रेस के मुंह से, इन लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बांग्लादेश के अंदर जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इनमें 90% दलित जाति के हिंदू हैं, लेकिन बहनों और भाइयों कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, इन लोगों को वोट बैंक की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। और इसीलिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लोग अपमान करते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए किसी भी तीर्थ के विकास में कभी रुचि नहीं ली। मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन के जिस भवन में रहकर के उन्होंने उच्च अध्ययन प्राप्त किया था, उस भवन को मोदी जी ने भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के खरीदा और फिर भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास और गेस्ट हाउस बनाया। उस भवन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक भी बनाया और उन्हें स्पेशल स्कॉलरशिप भी उन छात्रों के लिए वहां उपलब्ध करवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।